अगला टॉपिक हमारा स्टेडी स्टेट एरर। स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है कि आपका सिस्टम पहुंच तो या फॉर एग्जाम्पल आपका सिस्टम यहाँ पे देखो आपका टाइम रिस्पॉन्स जा रहा है। जैसे ही आपका टाइम रिस्पॉन्स हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो हम बोलते हैं कि हमारा सिस्टम स्टेबल हो गया है। यहाँ पे हमारा सिस्टम स्टेबल तो है लेकिन हमारा सिस्टम के अंदर अभी भी स्टेडी स्टेट एरर है। स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है कि जहाँ तक उसको पहुँचना चाहिए था वहाँ तक वो पहुँचा नहीं है। हमारे जो रेफरेंस था ना हमारा, उस रेफरेंस तक अभी तक हमारा रिस्पॉन्स पहुँचा नहीं है। तो जब हमारा सिस्टम देखो बाहर हमारा सिस्टम स्टेबल तो है, स्टेबल होने के बावजूद भी जो हमें इससे आउटपुट की रिक्वायरमेंट थी वो आउटपुट हमें दे नहीं रहा वो, तो ऐसा सिस्टम जो कि हमारे पास जो हमारा डिज़ायर आउटपुट हमें ना दे रहा हो उसको हम बोलते हैं आपका वो स्टेडी स्टेट एरर होता है। वो इसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो छोटा सा पॉइंट बनाया हुआ है यहाँ पे ये जो गैप है इस गैप को हम बोलते हैं आपको स्टेडी स्टेट एरर है। तो स्टेडी स्टेट एरर को फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, हम कुछ मेथड यूज़ करते हैं और उस मेथड के लिए हम कुछ इनपुट देते हैं। हमारे पास तीन किस्म के इनपुट होते हैं जिसको हम बोलते हैं वापस वो टेस्ट इनपुट है। टेस्ट इनपुट से मुराद क्या है कि आपको जैसे अपना सिस्टम चेक करना होता है ना, हमने जब फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पढ़ा था उससे मैंने कहा था कि जब हम उसके अंदर स्टेप रिस्पॉन्स हम दे रहे होते हैं अपने सिस्टम को, स्टेप रिस्पॉन्स देने की मकसद क्या होता है, उसका मकसद ये होता है कि आप अपने सिस्टम को चेक करते हैं सिस्टम सही कैसा रिस्पॉन्स कर रहा होगा। तो यहाँ पे अपने सिस्टम को असल में चेक करना है और वो चेक हम कैसे करते हैं, वो चेक हम तीन किस्म के इनपुट देके चेक करते हैं। पहला इनपुट क्या होता है, स्टेप इनपुट जिसमें 1/s से मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरा क्या होता है, रैंप इनपुट जिसमें 1/s² से मल्टीप्लाई करते हैं। तीसरा क्या होता है, पैराबोलिक इनपुट जिसमें 1/s³ से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो जिस तरह हमने देखा कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में 1/s से मल्टीप्लाई करते हैं इसी तरह हम 1/s² से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अपना रिस्पॉन्स चेक करने के लिए और 1/s³ से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपना रिस्पॉन्स चेक करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपका एक ट्रांसफर फंक्शन है, इसको हमने एक स्टेप रिस्पॉन्स अभी हमने इसका क्या किया, ऐसे हमने सिग्नल लिए, सिग्नल लेके दोबारा हम पीछे दे रहे हैं। ये इसको बोलते हैं कि यूनिटी फीडबैक सिस्टम। आपने यहाँ से यूनिट लिया मतलब वन लिया ना, अगर हमें कुछ भी तो मतलब वन है, यहाँ से आपने वन लिया पीछे अपने आउटपुट से और वन लेके दोबारा आपने अपने सेंसर को दे दिया या अपने अपने कंट्रोलर को दे दिया। कंट्रोलर का अब आगे कंट्रोलर का काम है कि वो चेक करे कि आपकी इसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है जो CS की वैल्यू और जो RS की वैल्यू, अगर उसमें कोई डिफरेंस होगा तो लाजमी तौर पे आपके पास स्टडी स्टेट एरर होगा। स्टडी स्टेट एरर क्या होता है कि आपकी इनपुट वैल्यू जो यहाँ पे आप दे रहे हो और आपकी जो आउटपुट वैल्यू अगर उसमें कुछ डिफरेंस होगा तो आपका एरर आता है। जब तक उनमें इन दोनों वैल्यूज़ में RS और CS में डिफरेंस रहेगा आपका एरर वहाँ पे रहेगा, जैसे डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा तब का एरर ख़त्म हो जाएगा। हमें क्या पता हमारा एरर क्या होता है, हमारा एरर बराबर होता है इनपुट वैल्यू माइनस आउटपुट वैल्यू, सही है। यहाँ पे हमारे पास जो ES है, ES मल्टीप्लाई बाई CS ये दोनों मिलके हमारे पास बना रहे हैं आउटपुट, ES इंटू CS ये दोनों मिलके हमारे पास बना रहे हैं आउटपुट, ये लिखा हुआ है। अब CS की वैल्यू जो थी ES माइनस ES GS ये वैल्यू पुट करके हमने लिख दिया यहाँ पे CS की जगह। अगले स्टेप में देखो हमने CS की जगह वैल्यू पुट कर दी। अब ES वाली वैल्यूज को एक तरफ ले गए, एक तरफ ले जाने के बाद उसमें से ES कॉमन ले लिया गया, यहाँ से हमें वैल्यू चाहिए ES की, तो ES की वैल्यू क्या आ गई, ES की वैल्यू ये आ गई। यहाँ पे जो R है ना, R का मतलब ये है कि आप इसमें कौन सा, R का मतलब ये है कि आप कौन सा रिस्पॉन्स दे रहे हो उसको। इसमें आप इसको स्टेप रिस्पॉन्स भी दे सकते हो, इसमें आप इसको रैंप रिस्पॉन्स भी दे सकते हो, इसमें इसको पैराबोलिक इनपुट भी दे सकते हो। R का मतलब आपका इनपुट है, आप अपने सिस्टम को कौन सा इनपुट दे रहे हो वो R कहलाता है। वन आपके पास कैसे आया, वन यहाँ पे आपका क्योंकि यूनिटी फीडबैक सिस्टम था उसकी वजह से यहाँ पे वन आ रहा है। GS क्या है, GS आपके पास यहाँ पे ट्रांसफ़र फंक्शन है। अच्छा, वन आपका यहाँ पे यूनिटी फीडबैक सिस्टम की वजह से नहीं आ रहा, वन आपका कैस्केडिंग हो रही है यहाँ पे, कैस्केडिंग हमने मिड्स वाले टॉपिक में था कैस्केडिंग के, जब भी आपका ऐसे आ रहा होता है उसको हम कैसे ऐड कर रहे होते हैं, उस फार्मूले की वजह से आया है कैस्केडिंग की वजह से। वन यहाँ पे GS से मल्टीप्लाई होता है, अगर कोई भी चीज़ वन से मल्टीप्लाई तो वापसी वो चीज़ आ रही होती है, इसलिए GS ही आया हुआ यहाँ पे। तो डेफिनेशन क्लियर है थोड़ी सी, हाँ एक मिनट चाहिए। अब देखो हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन सपोज कर लेंगे,
देखो यहाँ तक आप देख चुके हैं, यहाँ तक। अब क्या होगा, हम देखना चाह रहे हैं कि अगर मैं इसको टी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी अपने सिस्टम को चेक कर रहा हूँ, मेरा सिस्टम ये है, मैं सिस्टम को एट टाइम इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी मैं इसको चेक करना चाह रहा हूँ, तो ये इसको टाइम डोमेन में ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसको अगर मैं फ्रिक्वेंसी डोमेन में लिखूँ तो फ्रिक्वेंसी डोमेन में इसको ऐसे लिखते हैं। तो मैं अपने सिस्टम को एट टाइम इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी चेक करने जा रहा हूँ, लेकिन टाइम डोमेन में उसको ऐसे लिखते हैं और उसको फ्रिक्वेंसी डोमेन में ऐसे लिखा जाता है। तो क्योंकि मैं अपना फ्रिक्वेंसी डोमेन में बात कर रहा हूँ, मैं अपनी शुरू से मेरी बात जो चल रही है वो फ्रिक्वेंसी डोमेन में चल रही है, तो मैं इसको ये लिमिट अप्लाई कर दूँगा। एक्स एस से मतलब क्या है, एक्स एस से मतलब आपका ये सिस्टम पूरा है। देखो अगले स्टेप में क्या किया, अगले स्टेप में एक्स एस की जगह आपने अपना पूरा सिस्टम जो आपने कैलकुलेट किया था डेरिवेशन वो लिख दिया आपने यहाँ पे। ये एस एस डी वैसे ही आ गया, ये एस पर लिमिट आपने अप्लाई कर दी एस की पावर जीरो, एस इक्वल्स टू जीरो। तो ये आपने अपना इसके अंदर एक आपका एक जामिया फंक्शन बनकर आ गया है। अब इस फंक्शन के अंदर अपना इनपुट देते रहोगे, अगर मैं स्टेप इनपुट दे रहा हूँ क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, अगर इसके अंदर मैं अपना पैराबोलिक इनपुट दे रहा हूँ क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, और अगर इसके अंदर अपना रैंप इनपुट दे रहा हूँ मेरे पास क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। अपना रिस्पॉन्स चेक करने के लिए मैं आर एस की वैल्यू वेरी करता रहता हूँ, कभी 1/s रखूँगा, कभी 1/s² रखूँगा, कभी 1/s³ रख रहा हूँ इसके अंदर आर एस की जगह। तो अपने सिस्टम का मैं चेक करूँगा आया कि इसके अंदर स्टडी स्टेट एरर है कि नहीं है। उसके लिए मेरे पास एक जामिया इक्वेशन ये बनी है, अदर क्लियर है? देखो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको अंदर सबसे चेक करेंगे इसके अंदर स्टेप, अगर मैं इसको अपना स्टेप इनपुट दूं तो स्टेप इनपुट देने से इसका बिहेवियर क्या होगा। देखो मैंने इसको स्टेप इनपुट से मुराद क्या है कि मैं इसको 1/s दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने आर एस की जगह 1/s रख दिया, तो एस से एस कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ 1/1+GS बच जाएगा, ठीक है। अब जब मैं इसको लिमिट अप्लाई करूँगा, जब मैं इस पर लिमिट अप्लाई करूँगा एस की लिमिट, तो ये 1 पे अप्लाई नहीं होगी बल्कि सिर्फ इस पे अप्लाई होगी। तब तो बस देखो 1/1+ लिमिट अप्लाई कर दी अपने फंक्शन पे, ठीक है। अब आपने चेक करना है, अगर अपने फंक्शन को जीरो अप्लाई करता हूँ, जीरो देता हूँ, तो मेरे पास क्या बनता है, एट द रिजल्ट मेरे पास क्या आ रहा होता है। यहाँ तक भी क्लियर होगा, यहाँ तक हाँ। अब देखो जी एस की वैल्यू मेरे पास ये है, मैंने सपोज किया हुआ है, अभी मैंने एक कोई वैल्यू सपोज कर लिया, सपोज कर लो ये वैल्यू जी एस की। अब इस वैल्यू में अगर मैं एस की वैल्यू जीरो, देखो ये पावर एक और चीज़ है, अभी पावर भी आती है, इस पावर को हम बोलते हैं ये आपके पास जनरल वैल्यू होती है, जनरल वैल्यू जो पावर होती है ना, आपकी जनरल वैल्यू होती है आपके पास। इस पावर का मतलब क्या होता है, इस पावर की तीन वैल्यूज हो सकती है, इस पावर की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, इस पावर की वैल्यू वन भी हो सकती है, इस पावर की वैल्यू टू भी हो सकती है। अगर इस पावर की वैल्यू वो जीरो, उसको हम बोलते हैं कि वो टाइप जीरो है, अगर वन बोलते हैं टाइप वन है, अगर टू बोलते हैं टाइप टू है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल टाइप जीरो है, सपोज कर लो अगर यहाँ पे टाइप जीरो हो तो यहाँ पे एस की पावर जीरो आएगी, और किसी चीज़ की पावर जीरो होती है वन हो जाएगा, तो यहाँ पे वन आ जाएगा। और टाइप जीरो में लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ मैं जीरो की, एस अप्रोच टू जीरो, तो यहाँ भी जीरो आ जाएगा, हर जगह जीरो आ जाएगा, ऊपर भी हर जगह जीरो आ जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास ये बच रहा होगा, नीचे सारे मेरे पास पोल्स बच रहे होंगे जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, और ऊपर मेरे पास सारे जेड बच रहे होंगे। तो मेरे पास एक फाइनाइट वैल्यू आ रही होगी, फाइनाइट वैल्यू, अगर इस जो नीचे वाली वैल्यू मेरे पास अगर फाइनाइट हो, ये वाली वैल्यू मेरे पास अगर ये वैल्यू फाइनाइट आ रही है, तो मेरे पास ओवरऑल जो ई स्टडी स्टेट की वैल्यू वो भी फाइनाइट आ रही होगी। साथ चल रहे हो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रही है? हाँ, जब यहाँ पे देखो एक वैल्यू जो जीएस की वैल्यू कांस्टेंट आ रही होगी, हाँ कह सकते हो कांस्टेंट आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, तो हमारे पास जो ई स्टडी स्टेट एरर होगा वो भी कांस्टेंट एरर आ रहा होगा हमारे पास। मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल वैल्यू इसकी, इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 आ रही है, तो यहाँ मैंने 5 पुट कर दिया इसकी जगह, 5+1=6, 1/6 कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है, या कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आती है एट टाइप जीरो में।
एट टाइप जीरो, सही है। फॉर एग्जाम्पल इसकी अगर टाइप वन हो, वन का मतलब ये इसमें एन की जगह वन पुट कर दूंगा, वन। मेरे पास फॉर टोटल तीन टाइप्स हैं, टाइप वन, टाइप जीरो, टाइप वन, टाइप टू। टाइप जीरो पुट किया, मेरा आंसर क्या आ रहा था, फाइनाइट आ रहा था। टाइप जीरो मेरा आंसर फाइनाइट आता। अब मैं चेक कर रहा हूँ, अगर मैं इसमें टाइप वन पुट करूँ तो क्या आंसर आ रहा होगा। मैंने टाइप वन पुट किया, इसकी पावर क्या हो गई, वन हो गई। इसकी पावर क्या हो गई, वन हो गई। अब मैं इसमें अगर जीरो अप्लाई करूँगा, मैं इसमें लिमिट अगर जीरो दूंगा, तो ये नीचे जीरो आ रहा है, देखो ये जीरो ही सबको जीरो कर देगा और इस पूरे जीएस की वैल्यू को बना देगा इन्फिनिटी। इस पूरी वैल्यू को बनाएगा इन्फिनिटी, और अगर यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे इस वैल्यूज पे, तुम्हारा स्टडी स्टेट एरर जीरो आ रहा होगा, सही है। तो टाइप जीरो पे हमारे पास यहाँ पे फाइनाइट वैल्यू आती है, और टाइप वन और टाइप टू पे भी अगर यहाँ पे टू पुट करूँ और फिर मैं जीरो लगा दूँ, तो तब भी मेरे पास पूरा यहाँ पे इन्फिनिटी आ रहा होगा। और अगर यहाँ पे इन्फिनिटी होगा तो मेरे पास पूरा स्टडी स्टेट जीरो हो जाएगा। तो टाइप सिर्फ आपका जो स्टेप रिस्पॉन्स देने की सूरत में क्या हो रहा है, स्टेप रिस्पॉन्स देने की सूरत में ये हो रहा है कि आपके पास फाइनाइट टाइप जीरो पे फाइनाइट एरर आता है, जिसकी वजह से आपके पास स्टडी स्टेट एरर फाइनाइट होता है, और टाइप वन और टाइप टू में आपके पास इन्फिनिटी आ रहा है आपका ट्रांसफर फंक्शन, जिसकी वजह से आपका स्टडी स्टेट एरर जीरो आ रहा है। तो स्टेप इनपुट देने की वजह से आपका यह कुछ बिहेवियर होता है सिस्टम का, ये क्लियर है। ये वही लिखा हुआ है, देखो अगर हम इसको जीरो दे रहे हैं, अगर हम जीरो टाइप दे रहे हैं, तो आप देखो कुछ ना कुछ एरर, ये मतलब एरर है, कुछ ना कुछ एरर हमारे पास आ रहा है। लेकिन अगर हम एन की वैल्यू वन से या वन वन देते हैं, वन से ज़्यादा बड़ी देते हैं, तो हमारे पास बिल्कुल जीरो स्टडी स्टेट एरर आ रहा है। इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है। आगे हमारे पास है रैंप इनपुट, इसका मतलब क्या है कि मैं इसमें वन अपॉन एस स्क्वायर दे रहे हैं, इसको रैंप इनपुट। जब इसको वन अपॉन एस स्क्वायर देंगे तो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर से एस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वन अपॉन एस बच जाएगा। वन अपॉन एस को नीचे ले जाएंगे तो एस प्लस एस जी एस बच जाएगा। तो मतलब यह आप एक एक्सप्रेशन बन गई है। अब इस एक्सप्रेशन में लिमिट अप्लाई करनी है, अगर मैं इस एस को जीरो लिमिट अप्लाई करूँ, ये तो जीरो हो जाएगा, इसको ख़त्म कर दिया हमने, इसको जीरो अप्लाई करके इसको ख़त्म कर दिया हमने। अब लिमिट अप्लाई कर रहे हैं इस पे, ये हमारे पास है। अब देखो टाइप ज़ीरो पे क्या होगा, टाइप ज़ीरो पे मेरे पास जो जीएस की वैल्यू आती है ओवरऑल, टाइप ज़ीरो पे मेरे पास जो सिर्फ जीएस की वैल्यू आती है वो फाइनाइट आ रही होती है, सही है। अगर मैं एन की वैल्यू ज़ीरो पुट करूँ, यहाँ पे ज़ीरो पुट करूँ, तो मेरे पास ये पूरी वैल्यू फाइनाइट आ रही होती है, ऐसे वो लिखा है यहाँ पे। अगर मैं ज़ीरो पुट करूँगा तो मेरे पास जी एस की वैल्यू फाइनाइट आ रही होगी, लेकिन जी एस से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, एस मल्टीप्लाई हो रहा है जी एस से। मेरे पास यहाँ पे जी एस से फर्दर एस मल्टीप्लाई हो रहा है, और वो एस क्या है, ज़ीरो है। तो जब ज़ीरो इस पूरे फाइनाइट वैल्यू से मल्टीप्लाई, इसने पूरे को सबको ज़ीरो कर दिया, मतलब ओवरऑल यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। जब मेरे पास नीचे वैल्यू ज़ीरो आ रही है, तो मेरे पास जो स्टडी स्टेट एरर होगा वो इनफाइनाइट आ रहा है। तो एट टाइप ज़ीरो में आपका जो रैंप इनपुट होता है वो इनफाइनाइट एरर दे रहा होता है एट टाइप ज़ीरो, ये क्लियर हुआ। अच्छा ये बताओ जीएस का जो फार्मूला है वो हमेशा सेम ही रहेगा? ये हमने खुद सपोज किया हुआ है, जीएस का फार्मूला जो होता है ना वो हमें गिवन होगा। जीएस एक ट्रांसफ़र फंक्शन है, वो ट्रांसफ़र फंक्शन की वैल्यू आपको गिवन होगी। हाँ, आपको ना वो ट्रांसफर फंक्शन गिवन होगा, आपने ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे रखना है, फिर उसमें आप लिमिट जीरो अप्लाई कर रहे होगे, जीरो वन टू अप्लाई करके देख रहे होगे आप, सही है। अगर टाइप जीरो पे ये आ रहा है, अब टाइप वन पे क्या होगा, टाइप वन पे मेरे पास जीएस की वैल्यू क्या आती है, फॉर एग्जाम्पल देखो मेरे पास ये जीएस है, यहाँ पे मैंने सब में जीरो अप्लाई कर दिया, ये टाइप वन है, यहाँ पे क्या होगा, अभी मैंने देखो मैंने अभी इसमें लिमिट अप्लाई नहीं की, अभी सिर्फ मैंने अंदर वाली वैल्यूज में लिमिट अप्लाई की है, बाहर वाली वैल्यू जो एस थी ना उसमें अभी ज़ीरो अप्लाई नहीं किया, और इस पूरी जी की वैल्यू से, ये पूरी जी की वैल्यू थी, इस पूरी जी की वैल्यू से आपका एस मल्टीप्लाई हो रहा था, वो जो एस इस पूरी जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा था, उस एस ने नीचे वाले डिनोमिनेटर के एस को कैंसिल आउट कर दिया।
सिंपल अक्रॉस क्या बचा, सिर्फ अक्रॉस सिर्फ एक फाइनाइट वैल्यू बची, तो वो फाइनाइट वैल्यू यहाँ रखेंगे और उस वो फाइनाइट वैल्यू आपको कोई ना कोई फाइनाइट स्टडी स्टेट एरर दे रही होगी। ये टैप नंबर वन का केस ही है। और टैप नंबर टू में क्या होता है कि आपके पास अभी सिर्फ मैंने अंदर वाली वैल्यू को जीरो अप्लाई किया, एस स्क्वायर वैसे ही रहने दिया, एस स्क्वायर को मैंने जीरो अप्लाई नहीं किया। देखो समझ लो एस स्क्वायर कैसे आ रहा है, यहाँ पे अगर मैं जीरो अप्लाई करूँ तो यहाँ पे ई वैल्यू वन होती है, टाइप जीरो में वैल्यू वन होती है। अगर मैं यहाँ पे टाइप वन अप्लाई करूँ ये वैल्यू एस बन जाती है, जैसे कि भाई यहाँ पे एस बनी हुई है। और अगर मैं इसको टाइप टू में इसकी पावर अगर मैं टू दूँ तो यहाँ पे क्या होता है एस स्क्वायर बन जाता है। या फिर देखो टाइप टू में यहाँ पे एस स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एस स्क्वायर पे एस स्क्वायर से एक एस कैंसिल आउट हो गया लेकिन अभी भी एक एस बचा हुआ है। अगर उस एस पे जीरो पुट करते हैं बस पूरी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाती है, वो पूरी इनफाइनाइट वैल्यू मेरे पास क्या देती है, अगर अभी मैं इन्फिनिटी लिखूँ तो मेरे पास यहाँ पे जीरो स्टडी स्टेट एरर आता है। तो रैंप इनपुट पे आपका टाइप जीरो इनफाइनाइट एरर देती है, आपका टाइप वन फाइनाइट एरर देती है और आपका टाइप टू जीरो एरर देती है। जीरो सवाल आएगा कैसे पेपर में? सवाल आपको एक जो ये है ना, ये जैसे ये चीज़ है, हमने यहाँ पे सपोज किया हुआ है, ये हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र फंक्शन सपोज किया हुआ है। पेपर में आपको ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन होगा, आपको उस ट्रांसफ़र फंक्शन में एस की वैल्यू जीरो पुट करके देखना होगा। तो सवाल में मेंशन होगा कि आपको कौन सी टाइप लगानी है? हाँ मेंशन होगा। चल लास्ट आपके पास है पैराबोलिक इनपुट, पैराबोलिक इनपुट इसमें करते हैं हम एस की पावर क्यूब दे रहे होते हैं। मैं एस की पावर क्यूब दी मैंने, एक एक एस से एक एस कैंसिल आउट होगी, नीचे एस की पावर स्क्वायर बची, वो नीचे आके मल्टीप्लाई होगी सबसे, इसको लिमिट अप्लाई की, एस की पावर स्क्वायर के मैंने जीरो कर दिया, सिर्फ मैं इस पर लिमिट अप्लाई करके चेक कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें टाइप जीरो में क्या होता है, टाइप जीरो में इसका जो नीचे वाली वैल्यू जीरो आ रही होती है तो आपका स्टडी स्टेट एरर इन्फिनिटी आता है। टाइप वन में क्या होता है, टाइप वन में इसका जो नीचे वाली वैल्यू होती है जीरो आ रही होती है तो आपका स्टडी स्टेट एरर इन्फिनिटी आ रहा होता है। टाइप टू में क्या होता है, आपकी नीचे वाली वैल्यू इनफाइनाइट फाइनाइट आ रही होती है, आपके पास स्टडी स्टेट एरर भी क्या होता है फाइनाइट आ रहा होता है। ये इसमें और अगर भैया इसमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी आपको, जो सपोज करना पड़ेगा जी एस की वैल्यू वही सपोज करनी, ये वाली वैल्यू इससे पुट कर गिवन होगी आपके सवाल में। हाँ वो गिवन होगी, तो उससे पुट करोगे आपके पास आंसर ऐसे आ जाएंगे। तो ओवरऑल इसको टेबल के फॉर्म में सर ने ऐसे लिखवाया हुआ है, टेबल के फॉर्म में सर ने लिखवाया हुआ है कैसा, वो सारी पीछे वाली सारी चीज़ वही लिखी हुई यहाँ पर टेबल के फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पर। सही है, तुम्हारा अगला टॉपिक भी क्लियर, ख़त्म हो गया। सही टॉपिक शुरू होगा।